नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर सिस्टम का डेटा यूजर को देने के की प्रोसेस आउटपुट कहलाती है, यानी कंप्यूटर सिस्टम का आंतरिक डेटा, इंटरनल डेटा जब यूजर को दिया जाता है तो इस प्रोसेस को आउटपुट कहा जाता है। अब आउटपुट के लिए जो डिवाइसेस हेल्प करती हैं, यानी कि आउटपुट प्रदान करने में जो मशीनरीज सहायक होती हैं, वो मशीनरीज आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे आमतौर पर मॉनिटर के थ्रू, टीएफटी के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होने वाली प्रोसेसिंग्स या प्रोग्राम्स हमें दिखाई देते हैं बाहर, तो वहां पर मॉनिटर यानी कि टीएफटी का रोल आउटपुट डिवाइस का हुआ। स्पीकर की अगर हम बात करें तो स्पीकर के थ्रू भी कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल जो वॉइस है, जो ऑडियो है, वो बाहर आता है, तो स्पीकर भी वहां पे आउटपुट डिवाइस के रोल में हुआ। इसके अलावा प्रिंटर के थ्रू भी डेटा प्रिंट किया जाता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा स्टोर है या जो लिखा हुआ डेटा है या रखा हुआ डेटा है वो बाहर प्रिंट के रूप में आता है, तो यहाँ पर प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस के रोल में हुआ। तो कुल मिला के बात यह है कि हर वो प्रणाली, हर वो डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के अंदरूनी सूचनाएं बाहर की ओर आए, वो प्रणालियां आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और दूसरा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। यहां पर पहले हम हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का अंतर समझ लें। सॉफ्ट कॉपी वो डेटा होता है जो हमें दिखता है लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। उदाहरण के लिए टीएफटी पर हमें कुछ लिखा हुआ डेटा दिख रहा है, ठीक है, तो वो हमें दिख रहा है, हम उसे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हम उस डेटा को छू नहीं सकते क्योंकि वो विजुअली विजुअल फॉर्म में हमारे सामने है। बजाय इसके जब हम उस डेटा का प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट निकालने के बाद वो पेज के रूप में डेटा छपकर हमारे सामने आता है, उस डेटा को हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और साथ में पेज फॉर्म में होने के कारण हम उसको छू भी सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा भी सकते हैं। तो उस पेज पर प्रिंट डेटा को हार्ड कॉपी कहा जाता है और मॉनिटर या टीएफटी पर जो डेटा हमें दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी। एक और एग्जांपल कि मोबाइल में अगर हमें कोई स्टोरी लिखी हुई है, मोबाइल में डिस्प्ले हो रही है, हम उसे पढ़ पा रहे हैं, हम उसे देख पा रहे हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, उस स्थिति में वो सॉफ्ट कॉपी का एक रूप है। और इसके बाद जब कभी हम उसका प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट निकालने के बाद उस डेटा का हार्ड कॉपी हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यूजुअली अगर हम सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के बारे में बात करें तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस में सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो की, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि वो डिवाइस जो डिस्प्ले करने का काम करती है, यानी कि मॉनिटर यानी कि टीएफटी। तो सबसे पहले मॉनिटर की बात करेंगे। तो मॉनिटर टीवी जैसा ही एक डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के एक पार्ट के रूप में काम करता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर मॉनिटर को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हालांकि शुरुआती दो कैटेगरीज अब बहुत ज्यादा यूज में है नहीं। पहली कैटेगरी मोनोक्रोम जिसमें केवल दो ही कलर होते हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मोनोक्रोम जैसी डिवाइसेस अब ज्यादा यूज टू है नहीं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी बताई गई है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में दो से ज्यादा कलर्स यानी कि ग्रे की शेड्स उपलब्ध होती हैं। ब्लैक और व्हाइट को आपस में जब अलग अलग अनुपात में मिलाया जाता है, जैसे ब्लैक 10% है, व्हाइट 90%, तो एक अलग तरह का ग्रे हमको मिलेगा। जब ब्लैक हम 20% करेंगे, व्हाइट 80% करेंगे, तो एक अलग ग्रे मिलेगा। ब्लैक को 30% करेंगे, व्हाइट को 70% करेंगे, तो एक अलग तरह का ग्रे मिलेगा। तो ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ग्रे शेड्स कहा जाता है। तो ऐसे मॉनिटर जो ग्रे शेड्स में आउटपुट दे सकते हैं वो ग्रे स्केल। और इसके बाद कलर मॉनिटर्स जो अभी के टाइम पे अवेलेबल है। कलर मॉनिटर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कलर के साथ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। यहाँ यूजुअली तीन कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिन्हें हम आमतौर पर आरजीबी कहते हैं, आरजीबी, ये तीन कलर्स मिलकर कई लाखों कलर्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं और जो भी आउटपुट हमें रिसीव होता है वो कलरफुल होता है। नीचे दिए इस विजुअल में दो अलग अलग तरह के मॉनिटर्स को दिखाया गया है। पहला मॉनिटर यहाँ पर जो पुराने समय में यूज किया जाता था, हालांकि अभी भी
कई जगहों पर देखा जा सकता है। इसका वजन ज्यादा है, साइज ज्यादा है, क्वालिटी हालांकि कम है। बजाय इसके जो पास में आप ये मॉनिटर देख रहे हैं, ये लेटेस्ट मॉनिटर टेक्नोलॉजी है जो कि बीम्स के थ्रू चलती है, प्रकाश के प्रोनों से चलती है। और ये वाला जो आप मॉनिटर देखते हैं, ये डेटा डिस्प्ले करने के लिए, विजुअल्स दिखाने के लिए कैथोड रे ट्यूब का यूज करता था, सीआरटी जैसे बोला जाता है, सीआरटी टेक्निक। और इस तरह के मॉनिटर्स को भी यूजुअली सीआरटी मॉनिटर के नाम से ही जाना जाता है। इस तरह के सीआरटी मॉनिटर्स जो मैंने आपको बताया, कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर, इसकी आंतरिक संरचना इस चित्र में दर्शाई गई है। इस आंतरिक संरचना में इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया गया है और इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रिक बीम को डेवलप करती है। 3 नंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीम के बारे में बताया गया है। ये प्रकाश की बीम्स जाकर के, ये सामने आप, ये मॉनिटर का बाहरी हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है और इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये इस तरह के बीम्स छोड़ते हैं, बीम्स को थोड़ा बड़ा मैग्निफाई करके यहाँ पर दिखाया गया है। ये छोटे छोटे जो आप इस तरह के हेक्सागोन शेप्स देख रहे हैं, ये पिक्सल्स कहलाती हैं। आमतौर पे पिक्सल्स को हम डॉट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमें इमेज दिखती है या जो भी हमें वीडियो दिखता है, वो वीडियो या इमेज छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है और ये छोटे छोटे डॉट्स ही पिक्सल कहलाते हैं, जिन्हें यहाँ पर छोटे छोटे हेक्सागोनल शेप्स में दिखाया गया है। ये वर्किंग टेक्निक सीआरटी मॉनिटर्स की है। जैसा कि मैंने बताया कि ये शुरुआती मॉनिटर्स होते थे और अभी के समय में बहुत कम जगह पे ही देखने को मिलेंगे। इन मॉनिटर्स के अलावा अगले मॉनिटर्स हैं एलसीडी मॉनिटर्स, जिनका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स की क्वालिटी हालांकि सीआरटी मॉनिटर्स यानी कैथोड रे मॉनिटर्स की तुलना में ज्यादा अच्छी होती है। वजन एलसीडी मॉनिटर्स का सीआरटी की तुलना में कम होता है। यूं कहा जा सकता है कि सीआरटी के बाद जो नई टेक्नोलॉजी मॉनिटर्स के लिए आई वो एलसीडी मॉनिटर्स की ही थी। ये साधारण मॉनिटर से थोड़े पतले होते हैं, साधारण मतलब यहां पर सीआरटी मॉनिटर की बात हो रही है। ये सीआरटी मॉनिटर की तुलना में बहुत पतले होते हैं, साथ ही ये उनसे कम बिजली पर काम करते हैं और इनमें सीआरटी मॉनिटर से ज्यादा अच्छी स्क्रीन दिखाने की क्षमता होती है। पतले और हल्के होने की वजह से ये जगह कम घेरते हैं, आप इन्हें घर या ऑफिस की दीवार पर भी आसानी से लगा सकते हैं। एलसीडी के ठीक बाद एलईडी मॉनिटर टेक्निक एग्जिस्टेंस में आई। एलईडी मॉनिटर टेक्निक एलसीडी की तुलना में कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और इसकी क्वालिटी भी एलसीडी की तुलना में कई गुना ज्यादा है। बेटर क्वालिटी होने के कारण और कम इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होने के कारण और लाइफ भी ज्यादा होने के कारण एलईडी टेक्निक बेस्ड मॉनिटर्स एलसीडी को ओवरराइड कर गए, यानी बहुत कम समय में एलसीडी मॉनिटर्स का यूज होना कम हो गया और बजाय इसके एलईडी मॉनिटर्स का यूज किया जाने लगा। एलईडी को आईआरईडी यानी इंफ्रारेड एमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल, हरी या नीली है। एलईडी में 2 सेमीकंडक्टर होते हैं, पहला पी प्रकार का सेमीकंडक्टर, दूसरा एन प्रकार का सेमीकंडक्टर। इनका वजन भी एलसीडी जैसा मैंने आपको बताया, एलसीडी के वजन से कम होता है। और ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें एलईडी प्रोवाइड करता है। एलईडी मॉनिटर्स कम बिजली की जरूरत, ज्यादा वर्किंग कैपेसिटी और ज्यादा लाइफ। तो ओवरऑल बात यह है कि मॉनिटर की रेंज में हालांकि कई तरह के मॉनिटर्स आए, लेकिन हम इन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा चलने वाली पहली कैटेगरी सीआरटी मॉनिटर्स की कहलाएगी, यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। उसकी बाद की कैटेगरी एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स, और उसके बाद एलईडी मॉनिटर्स। अब हम बात करेंगे मॉनिटर से जुड़े हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो कहलाती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मॉनिटर्स पर जो भी कोई इमेज हमको दिखती है या जो हमें वीडियो दिखता है, वो वीडियो डॉट से मिलके बना होता है, बिंदुओं से मिलके बना होता है और प्रत्येक बिंदु को पिक्सल कहा जाता है, आमतौर पर इन्हें डॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर यह बताया कि अधिकतर डिस्प्ले डिवाइसेस में चित्र स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले छोटे छोटे डॉट्स के चमकने से बनते हैं।
स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले छोटे छोटे डॉट्स पिक्सल कहलाते हैं। यहाँ पिक्सल शब्द पिक्चर एलिमेंट का संक्षिप्त रूप है, यानी कि पिक्चर एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में पिक्सल्स कहा जाता है। पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे वो उतना करीब होंगे, जितना करीब होंगे पिक्चर उतनी साफ दिखाई देगी, वहीं पिक्सल्स जितने कम होंगे उनके बीच की दूरी ज्यादा होगी और पिक्चर फटी फटी सी दिखाई देगी, उतनी साफ दिखाई नहीं देगी। तो यूं समझ लीजिए कि पिक्सल्स में को काउंट करने के लिए इस तरह के आंकड़ों का यूज किया जाता है, जिसे डिस्प्ले रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर जो ये 640 लिखा है, ये 640 डॉट्स की संख्या है कॉलम में, कॉलम मतलब ऐसे ऐसे आड़े में, आड़े में, आड़े में मतलब ऐसे जैसा मेरा माउस पॉइंटर घूम रहा है ऐसे में, तो ऐसे में जो पिक्सल्स की संख्या है उसे यहाँ पे 640 कहा गया है। और खड़े में यानी वर्टिकली, वर्टिकली डॉट्स की जितनी संख्या है उसे यहाँ पे 480 बोला गया है। तो 680 बाय 440 का मतलब यह है कि आड़े में यानी हॉरिजॉन्टली पिक्सल्स की संख्या 640 है और खड़े में पिक्सल्स की संख्या 480 है। उसी प्रकार नीचे भी कई रेजोल्यूशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे 1024 बाई 768, इसमें 1024 आड़े में यानी कि हॉरिजॉन्टली पिक्सल्स की संख्या है और 768 खड़े में पिक्सल्स की संख्या है। तो यहां पर यूं समझ लीजिए कि 1024 × 768 इसमें पिक्सल्स की संख्या ज्यादा है 640 बाय 480 की तुलना में। तो यूं समझ लीजिए कि इसकी पिक्चर क्वालिटी यानी कि 1024 × 768 की जो पिक्चर क्वालिटी है वो स्वाभाविक रूप से 640 बाय 480 तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी होगी। तो इस तरह से ये दोनों रेजोल्यूशंस के माध्यम से हमने पिक्चर की क्वालिटी को समझा। तो कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि पिक्चर की क्वालिटी, मॉनिटर की क्वालिटी को समझने के लिए रेजोल्यूशन का यूज किया जाता है और रेजोल्यूशन मिलके बनता है हॉरिजॉन्टली अवेलेबल पिक्सल्स की संख्या, उसका इंटू करते हैं वर्टिकली अवेलेबल पिक्सल्स की संख्या से।